मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजल रहीम मुजादादी ने कहा कि सरकार को हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और देश के संविधान ने हमें धार्मिक संस्थान स्थापित करने और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया है। सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिष्ठित छात्रों के साथ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागार में मदरसों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला आज सुबह 10 बजे शुरू हुई। विचारक और विशेषज्ञ विषय के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करेंगे। कार्यशाला के उप विषयों पर मदरसों की शिक्षा प्रणाली और समसामयिक आवश्यकताएं, मदरसों की स्थापना और कानूनी सुरक्षा, सरकारी योजनाएं और तकनीकी कौशल के अवसर, शिक्षा की व्यापक प्रणाली और पाठ्यक्रम व समस्याएं और संभावनाएं आदि शामिल हैं। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी ने पत्रकारों से कहा कि मदरसों को अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को समय के अनुसार अपडेट करते रहना चाहिए और आज मदरसों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि यहां आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है। सभी मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हम चाहते हैं कि मदरसों और उनके छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिले। इसके लिए मदरसों के पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा का कितना पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए और इस कार्यशाला में कौन से सत्र शुरू होंगे। मदरसों को निशाना बनाए जाने को लेकर सरकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी टीम इसके लिए काम कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी टीम इसे देख रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और उन्हें निशाना बनाने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश में बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं और कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, इसकी इजाजत न दे और अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, मदारिस को हमेशा हालात के एतबार से अपने निज़ाम तालीम को और अपने तालीमी निज़ाम को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। हमारी तारीख तो यही रही है कि उन्होंने अपने आप को हमेशा हालात के मुताबिकत में रखा है। आज की तारीख में ये मदारिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके यहाँ दीनी तालीम और अरबी की तालीम के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट बहुत सी जगह नहीं पढ़ाए जाते। तो हम ये चाहते हैं कि जो मदारिस से निकलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनको वो हालात से भी अपडेट भी हों, साथ ही साथ ये कि वो असरी उलूम यानी मॉडर्न सब्जेक्ट के अंदर भी उनको एक मुकाम उनका बुलंद हासिल हो। तो इसी सिलसिले में वो किस हद तक किया जाए, कितना पोर्शन उसमें इजाफा किया जाए, को कितना एकोमोडेट किया जाए मॉडर्न सब्जेक्ट को, इसी पर हमारे अब सेशन शुरू होंगे। आज इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आप लोग कर रहे हैं और मुस्तकबिल के लिए लाहेमल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक तरफ हुकूमत जो है वो मदारिस के ही खिलाफ है, मदारिस बंद करने की कोशिशें कर रही है, तो वो चीज़ों को कैसे साथ देख सकते हैं? देखिए, उस सिलसिले में तो एक हमारी कानूनी टीम है, वो काम कर रही है हमको हमारे इदारे कायम करने का, हमको अपनी मजहबी तालीम देने का, हमारी तहजीबी तालीम देने का, हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है। तो अगर उसमें कोई चैलेंज होता है तो हमारी जो लीगल टीम है वो इस पर काम कर रही है, तो उसको वो विंग देख रहा है। नहीं, अगर उलमाए किराम जो हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझकर अपने कैरिकुलम को मॉडर्नाइज करें तो ये तो बहुत एक वेलकम स्टेप है। सरकार भी ये चाहती है और ज़्यादातर जो स्पीकर्स थे उन्होंने इस बात को फेवर किया कि मदारिस में जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जाएं। तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। एक आध लोगों ने ये बात कही कि अगर मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो वो एक्सपर्टाइज जो वो ट्रेडिशनल इस्लामिक नॉलेज में करते हैं वो कितना अंडरमाइन होगा। तो मेरे ख़्याल से वो ऑप्शन दिया जाए कि जो लोग इस्लामियात में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वो जाएं और जो दुनियावी इल्म की तरफ आना चाहें तो वो उनको वो अल्टरनेटिव दिया जाए। मेरे छोटे भाई डॉक्टर रेहान अख्तर साहब ने और डायरेक्टर यहाँ के जो हैं उन्होंने कांटेक्ट किया था और कहा था कि वो एक वक्त मुझसे चाहते हैं। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं कि कोई भी यहाँ पर आना पसंद करता है और अपने लिए फ़ख्र महसूस करता है, इल्मी दुनिया है। तो यहाँ पर ये गुफ्तगू रहेगी कि मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, मैं आसान ज़बान में कहूँ, उसमें क्या चेंज होना चाहिए, क्या आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए और क्या हम ऐसा कर सकते हैं जैसे
मदरसे से निकला हुआ आपकी पॉलिटिकल लैंग्वेज में मेन स्ट्रीम में भी अपनी खिदमत कर सके, क्योंकि हमारे देश की ये सोच है कि मदरसे से निकला हुआ बस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा सकता है। सो इस पे ये प्रोग्राम है और मुझे बुलाया गया है तो मैं यहाँ आज देखें। मैं आपसे पॉलिटिकल अगर जवाब दूँ तो इस वक्त आज के ही प्रोग्राम का सवाल लेना पसंद करूँगा। आज अलीगढ़ में जो ये इतने लोग जमा हुए हैं, इनका जमा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। दो मौलवी को कहीं बुलाना किसी एक प्रोग्राम में मुश्किल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह सभी मकतब फ़िक्र के उलमा यहाँ मौजूद हैं, और बहरहाल कुछ कमियाँ आपको ज़रूर महसूस होंगी, और वो इसलिए भी महसूस होंगी कि ये प्रोग्राम इस तरह का पहली बार हो रहा है। मगर लोगों की रुचि इतना मजमे का आना और एक सीट का खाली न रहना इस बात की दलील है कि अवाम जाग रही है और जो सोई है वो जागना चाहती है, जगाने वाला होना चाहिए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये मदरसा मॉडर्नाइजेशन के सिलसिले में है कि जो उसका सिलेबस है उसको मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, और मदरसे में साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, इसलिए आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और पूरे मुल्क से, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से खटक, तमाम जगह के मदारिस के बड़े बड़े ज़िम्मेदारान यहाँ पे आए हुए हैं, और आज यहाँ पे ये बात रखी जाएगी कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सरकार की भी एक अपनी एक स्कीम है कि मदरसे को मॉडर्नाइज किया जाए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ इनको लाए, मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, तो मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए इतनी बड़ी तादाद में, मैं समझता हूँ कि ये पहला पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम है जो सरकार के लिए भी एक रोड मैप तय कर देगा, और एक बहुत अच्छा, बहुत पीसफुली है, बहुत सारी चीज़ें पीसफुली चल रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं इसी रोड मैप से तमाम